गाइज यार कैसे हो आप से, उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। सो गाइज यार आज की जो वीडियो ना वो इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग्स में चल रहा है एंड इस टाइप की वीडियो तो ना आप अगर बनाओगे तो वायरल होने के ना बहुत ज़्यादा चांस है गाइज यार। तो पहले प्रीव्यू दिखाता हूँ बट उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल पर नए हो पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर से करें। सो कैसी लगी प्रीव्यू, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा गाइस। सो इसी टाइप की वीडियोस ना इंस्टाग्राम में आपने देखा ही होगा जो हम आपका थोड़ा वाइड एंगल टाइप है ना वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग्स में चल रहा है। तो मैंने जो वीडियो यूज़ किया है एंड आप फोटोज भी यूज़ कर सकते हो एंड नेक्स्ट वीडियो में भी इसी टॉपिक पर लाऊंगा एंड उसमें जो मैं आपको फोटो यूज़ करके दिखाऊंगा एंड काफ़ी कमाल का होगा वो भी। तो इस टाइप की वीडियोज़ ना मतलब कि एक पूरा ब्लैक मतलब कि जो वीडियो था वो पूरा ब्लैक होगा तो भी चल रहा है एंड एक थोड़ा सा ग्लो टाइप होगा तो मैं आपको ना थोड़ा सा बता दूंगा ब्लैक में बता रहा हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं भी ग्लो में बता दूंगा ठीक है। तो सब कुछ बताऊंगा बस चैनल के साथ बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड ये वीडियो ना कैपकट से भी बनता है बट मैं जो लाइट मोशन यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको कैपकट पे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं नेक्स्ट वीडियो कैपकट में ले आऊँगा सेम इसी टाइप का वीडियो ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइट मोशन को डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर जाके ईजिली से आप ये कैपकट को डाउनलोड कर सकते हो। देन इस टाइप से कुछ होगा तो आपको वेट करना है। देन आपको प्लस के प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है गाइस, सो आप प्रोजेक्ट के ऑप्शन में नहीं जा सकते, कोई प्रोजेक्ट नहीं देने वाला। सो आपको प्लस वाला आइकन पे टैप करना एंड यहाँ पे अदर कोई रेशियो सेलेक्ट हो तो 9:6 वाला रेशियो को सिलेक्ट करना। देन सिंपल से क्रिएट प्रोजेक्ट पे गाइस, देन कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। देन आपको क्या करना, यहाँ पे सबसे पहले वीडियो को लाना, सो प्लस वाला आइकन पे मीडिया का ऑप्शन में गाइस एंड ये रहा वीडियो एंड ये वीडियो जो मैंने यूट्यूब से डाउनलोड कर लिया एंड आप भी कर लेना। देन आपको क्या करना, इसी टाइप के और वीडियोस मिल जाएगा तो डाउनलोड कर लेना। देन आपको क्या करना, प्लस वाला आइकन पे एंड यहाँ पे आपको शेप देख रहा है सेकंड वाला शेप यहाँ पे ये वाला, सो आपने इसको पकड़ना है एंड जितना आपको चाहिए ना उतना कुछ स्टेप्स आपको कर लेना है ठीक है। कुछ इतना रखने वाला, इतना भी वाइड कर सकते हो तो यहाँ पे आपको देख लेना। देन आपको इसे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्टेप से सेंटर में कर लेना ठीक है। तो ये सेंटर में आ गया, अब आपको क्या करना एंडिंग में जाना, एंडिंग में जाने के बाद उस लेयर को एंडिंग तक ले आना। सो लेयर पे टैप करना इस वाले ऑप्शन से एंडिंग तक ले आना। उसके बाद अब आपको क्या करना, इसको होल्ड करके रखना, उसके ऊपर वाले लेयर को भी होल्ड करना एंड देन जो ऊपर ऑप्शन दिख रहा ना वहाँ पे सेकंड नंबर का ऑप्शन होगा, सो आपने सेकंड नंबर के ऑप्शन पे टैप करना। फाइनली कुछ स्टेप से ग्रुप बनेगा, अब आपको इस पे टैप करना गाइस एंड एडिट ग्रुप में जाना एंड आपको वीडियो पे टैप करना एंड स्टेप वीडियो को अपने हिसाब से नीचे एडजस्ट करना। देन आपको जो ऊपर रेक्टेंगल मिल रहा है सो आपने इस पे टैप करना एंड देन आपको इफेक्ट के ऑप्शन में एड इफेक्ट पे जाना गाइस एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वीज करके आपको सर्च मार लेना ठीक है। तो आप ऐसे करके SQU देख सकते, ये वाला इफेक्ट है, इस पे आपने टैप करना। देन स्टैंडर्ड सेटिंग पे फाइनली आ जाएगा। देन आपको इसको क्या करना, माइनस में रखना ठीक है। तो माइनस देख सकते यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको 20-25 इसके अराउंड रखना एंड फाइनली आपका हो जाएगा। जैसे बैक जाओगे देख सकते हो थोड़ा वाइड एंगल हो गया एंड काफी ज्यादा ऑसम सा लग रहा है एंड इसको और ज्यादा भी कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब आपको क्या करना, इसको अगर ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इस पे टैप करना, इफेक्ट पे एड इफेक्ट पे टैप करना एंड यहाँ पे आपको कलर फिल के ऑप्शन में जाना एंड यहाँ पे आपको कलर एंड लाइट सॉरी एंड यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सैचुरेशन एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन होगा, सो उस पर टैप करना स्टैंडर्ड सेटिंग पे। फाइनली कुछ स्टेप से एंड जब सैचुरेशन होगा उसको आपको फिर से बिल्कुल डाउन कर देना। फाइनली आपको कुछ स्टेप से हो जाएगा गाइस एंड देख सकते हो। उसके बाद आपको इस पर वापस से टैप करना एंड इफेक्ट के ऑप्शन में एड इफेक्ट पे टैप करना एंड यहाँ पे आपको कलर एंड लाइट के ऑप्शन में जाओगे ना तो यहाँ पे दो टाइप के ग्लो मिल जाएंगे देख ठीक है। यहाँ पे लाइट ग्लो एंड यहाँ पे थोड़ा डार्क ग्लो होगा, डार्क ग्लो जो भी ऐड करना चाहते हो उस पर टैप करें स्टैंडर्ड सेटिंग में। फाइनली कुछ स्टेप से आ जाएगा। देन आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह कर सकते हो एंड मतलब कि इतना अगलो दिखेगा नहीं ठीक है, तो आप इसको छोड़ो। अब आपको क्या करना, अब यहाँ पे लिरिक्स को लिखना ठीक है। तो यहाँ पे हम म्यूजिक को प्ले करेंगे एंड बीट मार्क्स लगाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना मतलब कि उसके बाद लिरिक्स को लिखना एंड उस पर इफेक्ट लगाना। यहाँ पे देख सकते हो एक लाइन पूरा खत्म हो रहा, चाहत कसम नहीं है एंड यहाँ पे उसके बाद आगे की ओर सुनेंगे। जैसे यहाँ पे लाइन खत्म होगा आपको ये टाइमर दिख रहा होगा, सो उस पर टैप करोगे एंड यहाँ पे बीट मार्क लगाएंगे ठीक है। तो उसके बाद फिर से
देख सकते हैं एंड यहाँ पे इसी टाइप से गाइस आपको एंडिंग तक लगा लेना बिट मार्क, उसके बाद इस वाले पॉइंट पे आना एंड यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे एंड राइट साइड से थर्ड ऑप्शन टेक्स्ट का, सो उस पे एंड जो भी आपका लाइरिस होगा ना वो लिख लेना, ठीक है। चाहत देख सकते हो फर्स्ट वाला जो मतलब स्पेस के बाद जो भी लेटर लिखोगे वर्ड लिखोगे ना उसको कैपिटल में रखना फर्स्ट वाला एंड इस टाइप से इसको जो है इंक्रीज करना राइट साइड से एंड सबसे टॉप पे चलते हैं एंड यहाँ पे टिक के लेफ्ट साइड में वो कलर का इसको वाइट कर देना एंड यहाँ पे जो है ये जो टेक्स्ट का साइज है तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, मैं 28 रखने वाला हूँ एंड ये जो मेन है तो आपने इस पर टैप करना है एंड यहाँ पे ये वाला फॉन्ट होगा इसको सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद जो बाजू में है ना उस पर टैप करना है एंड इस टाइप से ये मिडल में आ जाएगा, उसके बाद बैक जाना एंड मूव एंड ट्रांसफर में जाना है, इसको एडजस्ट कर लेना गाइस कुछ इतना एंड इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना, ठीक अपने हिसाब से। अब आपको क्या करना है इसको नीचे की ओर ले आना, अगर आप इस पे रखना चाहते हो तो रख सकते हो कुछ इतना। अब आपको क्या करना एंडिंग तक लाना, सो एंडिंग तक आ जाए आप इस पे टैप करना इस वाले ऑप्शन पे एंड फाइनली यहां तक आ जाएगा। उसके बाद गाइस यार इस पे टैप करना इफेक्ट के ऑप्शन में, एड इफेक्ट पे टैप करना, यहां पे आपको टेक्स्ट के ऑप्शन में जाना एंड यहां पे आपको यहां पे मिल जाएगा टेक्स्ट स्पेसिंग करके, सो उस पे टैप करना स्टैंडर्ड सेटिंग पे एंड लेटर में ना थोड़ा सा कुछ इस टाइप से आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना 5%, फाइनली हो गया। अब आपको अगले बिट मार्क पे जाना एंड इस वाले ऑप्शन से एक एक पार्ट करके कट करना, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से कट कर लिया। अब आपको गाइस यहाँ पे आ गए, इस पे टैप करेंगे जो फर्स्ट वाला अब होगा, देन आपको इफेक्ट के ऑप्शन में ऐड इफेक्ट पे एंड यहाँ पे आपको क्या करना टेक्स्ट के ऑप्शन में चल जाना एंड यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सो उस पे टैप करना स्टैंडर्ड सेटिंग पे, फाइनली ऐड हो जाएगा। उसके बाद इस पे टैप करना आपको एंड यहाँ पे रेंज देखने को मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन, सो इसको ऑन करना है एंड स्टार्ट पे ही रहना एंड देन एक की लगाना, अगले बिट मार्क पे जाना की लगाना एंड इसको क्या करना 100% कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली ये 100% कर रहा हूँ एंड इस टाइप से स्लाइड करके 100% करें। उसके बाद आपको क्या करना इस फेस रेंज के ऑप्शन को ऑफ करना, ट्रांसफॉर्म में जाना एंड यहाँ पे जो है कंपार्टमेंट देखना, यहाँ पे आपको क्या है ना सिंपल से वर्ड कर देना एंड यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा अल्फा, सो अल्फा पे जाएं एंड इस स्टेप से इसको माइनस में आपको 1 कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं माइनस में एंड यहाँ पे फाइनली 1 हो गया। अब आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस टाइप से गाइस, यार देख सकते कितना ऑसम सा लग रहा है टेक्स्ट इफेक्ट, सेम इफेक्ट है। देन आपको क्या करना इस पे टैप करना एंड यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेशन इस पे टैप करना डबल यहाँ पे 3 डॉट पे एंड यहाँ पे इसको कॉपी इफेक्ट करना, अगले पे जाएंगे इस पे टैप करेंगे एडिट पे जाएंगे एंड यहाँ पे अगले लाइन को लिखेंगे, तो जो भी आपका लाइन होगा ना वो आपको इस टैप से लिखना। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट जो है जो भी स्पेस के बाद ना कैपिटल लेटर लिखना है, ठीक है। तो फाइनली हो गया इफेक्ट के ऑप्शन में एंड देन पेस्ट, सो फाइनली देख सो गाइस कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। इसी टाइप से आपको क्या करना आप कंप्लीट कर लेना एंड फाइनली आपको जो है आपका वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। होप आप समझ गए होगे कैसे करना एंड मैंने जो है बता दिया इसी टाइप से आपको कर लेना, देन एक बार बैक करना एंड फाइनली हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा और वाइड करना तो आपने इस पे जो ग्रुप है इस पे टैप करना है एंड यहाँ पे आपको इस पे जाओगे एंड इस टाइप से इसको देख सकते नीचे कर मतलब कि एडजस्ट कर सकते हो एंड करने के बाद आपको वीडियो को एडजस्ट करना, सो मूव इन ट्रांसफर में जाना इस टाइप से एडजस्ट करना, फाइनली देख सकते कुछ ज्यादा हो गया। अब इसी टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपको कहना एक बार बैक करना, इस टाइप से ऑप्शन आएगा सेटिंग रहा इसमें आइकन, सो उस पर टैप करना, वीडियो के नीचे क्वालिटी है सो यहाँ से क्वालिटी डिसाइड करें, एक्सपोर्ट पे टैप करें, फाइनली एक्सपोर्टिंग पे लग जाएगा। सो इस टाइप से वीडियो को बनाएं एक्सपोर्ट करें, कैसे लगे वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।